रहा नहीं हूँ, लेट सो रहा हूँ। अभी इस लेट लेट के चक्कर में हड्डी बड्डी टूट जाती ना, तो पड़े रहते महीने का प्लान। तुम तो यही चाहती हो, तुमकी हड्डी और मैं हो जाऊँ लंगड़ा। हो गए शुरू। बंटी तुझे स्कूल ही जाना क्या? बैग तैयार हो गया? क्या करूँ, पापा ने मुझे सुबह से अपने काम पे लगा रखा है। फाइल पे पेजेस लगाऊ या अपना बैग लगाऊ? लो मैं जा रहा हूँ। अरे क्या कर रही हो? हट जाएगी फाइल। जाओ जाकर नाश्ता तैयार करो। बढ़िया ही फाइल देखते हैं। अरे आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है? इस फाइल में उन लड़कों का सारा रिकॉर्ड है जो आपके पूज्य मौसा जी ने अपनी सिफारिश करके यहाँ भेजे हैं, जो दुर्भाग्यवश अब हमारे किराएदार। लड़कों के रिकॉर्ड? हाँ जी, लड़कों के रिकॉर्ड, पक्के रिकॉर्ड। ये सब मेरे माइंड का कमाल है। आपके पास कितना माइंड है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जरा देखूं तो क्या है फाइल में। क्यों परेशान होती हो, फाइल देखना है ना? हाँ मैं दिखाता हूँ। लो देखो, ये देखो, ये है मिस्टर आकाश उर्फ चट्टू। बहुत पढ़ाकू है लेकिन फोकट कमाल खाने के शौकीन है। उम्र 22 साल है। पिता का नाम, पता, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ मैंने लिख दिया। वाह, आपका तो जवाब नहीं। क्या सारे लड़कों के बायोडाटा इसी तरह तैयार कर रखे? और नहीं तो क्या, ये सब मेरे माइंड का कमाल है। जाने मन किराएदार रखो तो उनका सारा रिकॉर्ड भी रखो। उनका बैकग्राउंड क्या है, उनमें कोई ऐप तो नहीं है, थाने में कोई उनका रिकॉर्ड कहीं अच्छा तो नहीं है, मेरा मतलब खराब तो नहीं है। मेरे मौसा जी कोई एरे एरे स्प्रेड नहीं भेजेंगे। अरे सोच समझ कर ही भेजे। वाह वाह, क्या आपके मौसा जी रंगीले प्रसाद श्रीवास्तव। जैसा नाम है वैसे ही वो शक्ल और सूरत से भी रंगीले ही नजर आते हैं। बल्कि मुझे तो शक है 60 साल की उम्र में भी उनकी गर्लफ्रेंड तो होंगी। हाँ हाँ, और आपके मौसा जी, उनका तो नाम ही है रसीले प्रसाद सक्सेना। पान खाएंगे कम और थूकेंगे ज्यादा। अब क्या मैं उनकी तारीफ में भी कुछ सीधे पढ़ूं? अरे जाओ जाओ, कोई बराबरी नहीं हमारे मौसा जी की तुम्हारे मौसा जी से। अरे हमारे मौसा जी जमींदार फैमिली से। हाँ हाँ जानती हूँ, कौन से जमाने की जमींदार फैमिली से हैं आपके मौसा जी। अच्छा छोड़ो, चलो आगे देखो। ये है मिस्टर रवि, इनको डांस करने का बड़ा शौक है। झलक दिखला जाऊंगा मैं, अपने डांस की झलक दिखलाना चाहते हैं। फिल्मों में जाने का शौक है, उड़ाएंगे अपने बाप का पैसा, मुझे क्या। अच्छा अच्छा ठीक है, देख लिया, अब मैं चलूं? अरे रुको जाने मन, पिक्चर अभी बाकी है। मैं तो चली, ब्रेकफास्ट भी तो बनाना है। और ये कमबख्त साथी के बच्चे को गए आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया है और अभी तक ब्रेड लेकर नहीं लौटा। आपकी फाइल में उसका भी बायोडाटा है क्या? देखूं तो जरा, फोटो पे उसका भैया कैसा लगता है। अरे देख लेना बाबा, पहले सदा इन जनाब से भी तो मिल लो। ये है मिस्टर पगलू। अरे सीरियस मत हो यार, मैंने थोड़ी इसका नाम पगलू रखा, इसके दोस्तों ने इसका नाम पगलू रखा। मैंने तो इसका देखो मैंने इसका सही नाम लिखा हुआ, प्रशांत गुप्ता। मैं तो चली, और आप समय वेस्ट ना करें, जाकर पेश करें। अरे रुको जाने मन, अब बस एक ही बंदा तो और बचा है, उसे भी देखती जाओ। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी दिखाइए। हाँ ये जरा ठीक ठाक, कम बोलना, कम हंसना, धीरे धीरे चलना और सारा काम धीरे धीरे करना। सब खरगोश है और ये अकेला एक कछुआ, तभी तो सबने इसका नाम कच्छू रख दिया। देखो भाई अब कच्छू जी आगे क्या करिश्मा दिखाएंगे। ये तो ऊपर वाला ही जाने। बस हो गया आपका कि भी और भी कुछ बाकी रह गया है?
रह गया है ना, रह ये गया है कि ये चारों फंतूश इस मकान को मुफ्त की दुकान समझते हैं। जब जी चाहता मांगने चले आते हैं, अरे जितना किराया नहीं देते उससे ज्यादा तो ये मांग कर खा जाते हैं। अच्छे किराएदार भेजे तुम्हारे मौसा जी। मम्मी मम्मी मैं तो चली, बंटी बुला रहा है, देखते रहिए अभी इस साई को। हाँ हाँ जाओ जी, मुझे कौन सा तुमसे बात करने का शौक है, मैं भी जा रहा हूँ बाथरूम में नहाने के लिए। अच्छा आप हैं, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। कहिए। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। चलो अभी मॉर्निंग भी हो गया ना, चलो। भाभी जी हैं। भाभी, अबे मैं तुझे अंकल नजर आता हूँ और मेरी धर्म पत्नी तुझे भाभी नजर आती है। चले यार सवाल दिलाता, अभी जी हैं। कौन है? अरे कौशल, इतनी सुबह सुबह कुछ चाहिए क्या? बड़े सीरियस लग रहे हो, अंकल ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं क्या कहूँगा, मेरी शक्ल देख कर सीरियस हो गया होगा। वो तो मैं भी जानती हूँ, वो छोड़ो तुम बताओ कैसे हैं? ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ ये यहाँ क्यों आए होंगे। जरूरत होगी किसी चीज की कोई मांगने के लिए आए, क्योंकि बिना मतलब के तो ये आने वाले हैं नहीं। अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता है? टूथपेस्ट कर रहा हूँ। अरे ये टूथपेस्ट नहीं, शेविंग क्रीम है। आपने तो हद कर दी। शेविंग क्रीम? ये टूथपेस्ट की जगह शेविंग क्रीम कहाँ से आ गई? मुझे कहाँ से पता होगा? ये तुम्हारे वो बंटी के बच्चे की कारस्तानी है, टूथपेस्ट की जगह शेविंग क्रीम रख दी है, अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। तुम्हारे अंकल ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो छोड़ो तुम बताओ कैसे हैं? क्या बताएं भाभी जी, थोड़ी सी अदरक चाहिए, चाय बनाना। अदरक चाहिए? अभी लाती हूँ, ये लो। और हाँ और किसी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना, संकोच मत करना, ठीक है? थैंक यू भाभी जी, आपको तो जवाब नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मैं जाके जरा तुम्हारे अंकल को देखूं, पता नहीं बाथरूम में कौन सा गुल खिला रहे होंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते मैम। अरे कौशल क्या हुआ? भाभी जी अंकल कहाँ हैं? बाथरूम में है, बुला दूं? अरे नहीं, उन्हें आप वहीं रहने दीजिए, दरअसल मैं आपसे चाय की पत्ती मांगने आया था। चाय की पत्ती खत्म हो गई? कोई बात नहीं अभी लाती हूँ। अब क्या हुआ, फिर कुछ मांगने आ गए? चाय की पत्ती चाहिए आपको क्या? आप जाइए शेव कीजिए। चाय की पत्ती? अबे तुझे ये उधार देने वाले बनिए की दुकान नजर आती है, जब तक बता तुम उठा के मांगने चले आते हो, सुबह से चार चीजें मांग चुके हो। सॉरी अंकल, लेकिन अंकल ये आप हाथ में क्या थामे हैं? क्या थामे, दिखाई नहीं देता है? शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम। लेकिन अंकल ये शेविंग क्रीम? अबे ये शेविंग क्रीम है, इससे शेव बना जाता है, इतना नहीं मालूम तुझको? ये लो, इतने से काम चल जाएगा ना? यस भाभी जी, लेकिन अंकल ये शेविंग क्रीम? अबे ये शेविंग क्रीम है, ब्रांडेड क्रीम है, समझ में आया तुम्हारी? हे भगवान, ये शेविंग क्रीम नहीं टूथपेस्ट है, आप अपने गालों पे तब तक टूथपेस्ट ही मले जा रहे हैं। क्या टूथपेस्ट? मगर ये शेविंग क्रीम की जगह टूथपेस्ट कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता। अच्छा ये सब बंटी के बच्चे की कारस्तानी है, कभी टूथपेस्ट की जगह शेविंग क्रीम तो कभी शेविंग क्रीम की जगह टूथपेस्ट रख देता है। आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम, अभी जाकर उसकी खबर ले। अरे वहां कहां जा रहे हैं? तुम्हारे अंकल का ना जियोग्राफिया ऐसा ही है, तो तुम माइंड मत करना। हाँ नमस्ते भाभी जी। हाँ हाँ नमस्ते। तिल को विश करने आए हैं। क्या बात है भाई, आज चारों मस्त कलंदर एक साथ चले और ये हाथ में क्या लिए हो? मुझे बेवकूफ बनाने का कोई नया फॉर्मूला लेकर आए हो क्यों? हैप्पी अंकल डे। अंकल डे? हाँ अंकल डे हैप्पी। उल्टा बोल रहा है, सॉरी अंकल, ये कहना चाह रहा है हैप्पी अंकल डे। हाँ हैप्पी अंकल डे। अरे आज कौन सा अंकल डे है, है? कहाँ से चंडू खाने की खबर लेकर आए हो? देखिए हाथ में पकड़े रहेगा, देना अंकल को। हैप्पी अंकल डे। अरे अरे ये क्या जबरदस्ती है, हम आज चले जा रहे हो, नहीं लेता मैं, हटो। कितना प्यार से दे रहे हैं भैया लोग,
ले लो ना साहब, आपको हैप्पी अंकल डे का मुबारकबाद दे रहा है बेचारा। तू चुप रह, मुझे क्या फूल समझा है जो मैं ये फूल ले लूं? हैं? आज कहाँ का अंकल डे? कूल डाउन अंकल जी, कूल डाउन। वैसे है तो आज फादर डे, लेकिन हम में से किसी के भी फादर यहाँ मौजूद तो है नहीं, तो सोचा चलो फादर की कमी आपसे पूरी कर ली जाए। क्यों भाई लोग? अच्छा तो अब अंकल से फादर पर उतर आए। चलो माना कि आज फादर डे है, लेकिन ये अंकल डे कहाँ से आ गया? प्लीज अंकल, समझने की कोशिश कीजिए ना, वो पुराना जमाने चला गया जब पिताजी, ताऊजी और चाचा जी कहा जाता था। अरे अब तो फादर को पापा और ताऊ को बड़े पापा और चाचा को छोटे पापा कहा जाता है। और बाबा को दादू, नाना को नानू और मामा को? अरे मामा का अभी कोई हिसाब नहीं बना है, मामा तो बेचारा बस मामा ही रहेगा, उसे चाहे मामा कह लो या मम्मा, उसका तो बस ऊपर वाला ही मालिक है। कौन है मालिक? मैं हूँ इस घर की असली मालिक। तुम लोगों को कोई भी परेशानी हो तो मुझसे बताना। और ये क्या तुम लोगों के हाथों में बुके? कोई खास बात है क्या? खास बात ये है भाभी जी कि आज फादर्स डे है और हम सब लोगों ने इसे मिलकर अंकल डे बना दिया है। यू नो भाभी जी, अंकल वर्ड बड़ा ही कॉमन वर्ड होता है, जैसे कि आप राह चलते किसी भी आदमी को अंकल बोल दो बड़ा खुश हो जाता है, चाहे वो पुलिस वाला हो या फेरी वाला या किसी शॉपकीपर को, किसी को भी अंकल बोल दो बड़ा खुश हो जाता है। मैं तो बिल्कुल खुश नहीं होता, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुझे अंकल वंकल कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये लोग मानते नहीं है, ठीक है जाने दीजिए ना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं कब खड़ा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन अंकल जी, आज बगैर ठीक का काम नहीं चलेगा, आज भैया लोगों को तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। अच्छा कुछ तू भी खा लेना, मैं तो जा रहा हूँ। तो ठीक है, आज तुम सब तुम्हारे मौसा जी ने न जाने ये चार नमूने कहाँ से भेज दिए। एक है जिसे पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, क्या नाम उसका, वो चट्टू, और एक जनाब पर तो हीरो बनने का बहुत सवाल है, वो क्या नाम उसका, बच्चू, रेडी मट्टू नहीं, वो लंका मट्टू है, उसे बड़ी मस्ती थी। मट्टू रेडी मट्टू है। आप तुम्हें डांटू? मुझे तो बिल्कुल भी मत डांटिए। और वैसे भी मेरे मौसा जी बहुत समझदार हैं, उन्होंने चारों लड़कों को घर किराए पे देने की सिफारिश यूं ही नहीं की, बेचारे इतने सीधे साधे हैं। आपने भी तो सब कुछ पता ही लिया है ना? हाँ जी, शरीफ तो इतने हैं कि शराफत उनके चेहरे से ऐसे टपकती है जैसे शीरे में से जलेबी टपक रही है, मेरा मतलब है जलेबी में से शीरा टपक रहा हो। बस वो भाभी जी कहकर तुम्हें मस्का क्या लगा देते हैं, तुम सारा काम उनका कर देती हो। बस जय हो मौसा जी की। मेरे मौसा जी की तो जय है ही, पर आपकी मौसा जी ने तो ऐसा नौकर ढूंढ कर भेजा है, सुनेगा कुछ और करेगा कुछ और ही, और अगर गलती से भी कुछ मंगा लिया ना तो बस रखू चक्कर। ब्रेड लेने भेजा था, 2 घंटे हो गए। अरे भाई पहाड़ी नौकर है, शहर में आकर एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा ही, आ रहा होगा अभी। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग अभी, कुछ चाहिए क्या, चाय बन गई? वो क्या है कि भाभी जी बिल्ली सारा दूध पी गई है, अब चाय तो बिना दूध के बनने से रही, तो क्या दवा दूध मिलेगा क्या? हाँ हाँ अभी आती हूँ। एक मिनट, क्या करेगा चाय बना के, ये ले बेटा इसमें रेडीमेड चाय है, बार बार आने की झंझट ही खत्म है। ले जी। अबे ये घर चाय की फैक्ट्री है, यहाँ हमेशा चाय तैयार रहती है, जरूरत क्या है बार बार फुटकर चीजें मांग के ले जाने की है? ले जा। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम चुप रहो जी, कभी चाय की पत्ती तो कभी अदरक, कभी दूध दिल्ली पी जाती है, मेरा मतलब दूध बिल्ली पी जाती है, हैं? और पानी भी तो हमारी फ्रिज से ही चाहिए, तो फिर इस चाय से कैसा तो कर ले, जा बेटा ले जा। ठीक कह रहे हैं अंकल तुम्हारे, इसी चाय से काम चला लो, तुम्हारे अंकल तो बिना चाय के भी काम चला लेंगे। बस अब आप खुश? हाँ जी मैं तो अंकल हूँ, और ये तुम्हारी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल भाभी है ना? सॉरी अंकल। अब ये चाय ठंडी कर देगा, फिर कहेगा गरम कर दो भाभी जी, है चल जा। और सुन एक गिलास लेकर जा, चाय की पत्ती और अदरक वापस भिजवा देना, कम से कम मैं बिना दूध की ही चाय पी लूं, चल जा। अब थोड़ी मेहरबानी हम पर भी कर दीजिए, सर आप ब्रेड और मक्खन ले आइए। हम भी ब्रेड खाएंगे। ब्रेड कहाँ है घर में, साथी को लाने भेजा था।
लो आ गए। अरे ब्रेड नहीं लाया? लाया मेरी बेचारा, बड़ी मुश्किल से मिला है, कहीं मिला ही था और कंपनी का नाम भी नहीं पता था, फिर भी सबसे परतूस लेकर आया हूँ। ये लो शाप। अबे गॉड, अबे ये क्या ले आया तू? ले बढ़िया वाला शाप, बढ़िया वाला। क्यों बिगड़ रही हो बेचारे पर है? जब तुम उसे ठीक से समझा नहीं पाई तो बेचारा ये क्या करता है? मुझे तो हिंदी आती नहीं और ये इंग्लिश समझता ही नहीं। गलती हो गया मैम शाह, नहीं होगा शाह, ब्रेक नहीं मांगा था, गलती हो गया शाह, मैं ब्रेक समझा, हजामत बनाने वाला। तो ठीक है, अब तेरे साथ अपनी हजामत ही बनाएंगे। क्यों गया मैम शाह, अब दोबारा नहीं होगा। मम्मी ब्रेड मक्खन नहीं मिलेगा क्या? लो आप बोलो, लड़को के लिए तो बड़ा लेकर जा रहे थे, अब आप अपने मुआफा जी के इतना मुने के लिए क्या कहेंगे? कौन सा ब्रेड मक्खन खाएंगे? ये इसी प्लेट पर मक्खन लगा दूं और खा ले आप। ये प्लेट का पैकेट वापस करके ब्रेड डबल रोटी खाने वाली लेकर आ, ये ले। नहीं नहीं, अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब गया तो पता नहीं कब वापस आएगा। जी मैम शाह। क्या मुसीबत है, चाय भी गई और ब्रेड और मक्खन भी गया, अबे क्यों मेरे मौसा जी का नाम डुबोने में लगा है? शाह सुबह से चाय हम भी तुम्हें पिया है। लो अब जनाब को भूख भी लगी है। अरे बेचारा सुबह से भाग रहा है, भूखा तो हो गई। और वो तुम्हारी वो बेला मेम साहब, वो कहाँ है? एक हफ्ते तक उनका कुछ अता पता नहीं है। उसकी किसी भाई की साले की साली की शादी वादी थी, कहीं ने बोला था आ जाएगी। शाम में जाऊं? हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। अबे बाहर कहाँ जा रहा है? शाम मुझे लगता है बहुत पढ़ाई करता है, बहुत चाय भी पीता है। शाम वहाँ चाय भी पी आएगा, शाम पी लेगा, शाम यहाँ झाड़ू कौन लगाएगा? आप। अच्छा मैं लगाऊंगा। डॉक्टरों से कैसे काम लिया जाता है आपको बिल्कुल नहीं आता, अगर ये नौकरी छोड़कर चला गया तो झाड़ू का काम करेगा? तुम करोगी? मैं क्यों करूंगी? ये लो क्या झाड़ू, मैंने क्या बोला था, झाड़ू आप लगाएगा।